Yes, students. So I am here, and you know that I am Vidhimata, and I will take care of business studies, right? And major and significance of Marilma. This is the first chapter which was going on. So first of all, I would like to discuss your doubts. Because जो कुछ doubts आए थे, वो पहले मैं एक बार discuss करना चाह रही हूँ. पहले एक बच्चे ने मुझे teacher पूछा था, ma'am, goal oriented का मतलब क्या है? What do you mean by goal oriented? Goal oriented means मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड कि जो मुझे गोल अचीव करना है मैं उसके लिए काम करती हूँ. अब कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते. मुझे आज काम करना है ताकि मैं आपको क्यों पढ़ा कि मेरा गोल है कि मेरे बच्चे सारे पास होने चाहिए. आप क्यों पढ़ रहे हो? आपका गोल है कि आपने 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो गोल ओरिएंटेड सिंपली मींस व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्टिव एंड यू आर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. दैट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड. या Thereafter, the next doubt that was there in the comments, that what do you mean by dynamic? Dynamic means ever-changing, which keeps on changing. Hamari situation roz ek jaisi nahi rehti. Every now and then the situation gets changed. So we have to change our management according to the need of the environment. We cannot stick to our old phenomena or in the traditional approach. We have to modernize ourselves. And we have to move according to the need of the demand. अगर हम बात कर रहे हैं आजकल आपको नोकिया के फोन नजर आ रहे हैं कोई? क्यों इतने नजर आते हैं नोकिया के फोन? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं किया. उन्होंने एज पर द नीड ऑफ द एनवायरमेंट अपने आप को उन्होंने चेंज नहीं किया. अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. यहाँ तक कि हम KVS की बात करें, पहले कभी ऑनलाइन सेशन नहीं होते थे लेकिन आज हो रहे हैं. बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द डिमांड. तो मैनेजमेंट इज डायनामिक सिंपली मीन्स दैट whatever the as per the need of the environment, as per the requirements of the outside external forces, we have to work upon. एक example और लेते हैं. आजकल mostly से क्योंकि दिल्ली में pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है तो pollution की वजह से बार बार कुछ ना कुछ policy आती है. कभी आती है कि आपके जो automobiles हैं cars की अगर हम बात करें तो E16 वाले engines नहीं चलेंगे या दूसरे engines वाले use करिए आप या फलानी बाइक नहीं चलेंगे 31 मार्च के बाद नहीं बिकेंगे क्योंकि इनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो आपको अपना स्टॉक पहले क्लियर करना पड़ेगा. तो इन दैट केस जो कंपनी है उसको मालूम है कि कोई ना कोई चेंजेस आते जाते रहते हैं. इंजन्स के लिए बोलता है कि आप जो डीजल्स के इंजन है वो 2000 cc वाले जो है वो नहीं चलेंगे, 1800 cc तक के चलेंगे. सो इन दैट केस क्या कंडीशन होगी कि जो कंपनीज हैं वो जो अपने ऑटोमोबाइल्स हैं उन्होंने दिल्ली में ना बेचे, उन्होंने बाहर बेचा और कम सीसी वाले इंजन्स को बनाया ताकि वो दिल्ली में वो कार सेल ऑफ की जा सके. सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरमेंट द मैनेजमेंट हैज टू डू इट्स वर्किंग. दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डायनामिक. देन एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड हैज आस्क्ड मी, व्हाट मैम व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क सिंपली मीन्स व्हेन वी आइडेंटिफाई कि मुझे काम क्या करना है और काम को मैंने उनको एक डिपार्टमेंट्स बना लिया कि प्रोडक्शन को एक तरफ कर लिया, मार्केटिंग को एक तरफ कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स को एक तरफ कर लिया. यानी कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने एक डिपार्टमेंट में रखी और जो दूसरी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में रखी. तो पहले काम को पहचानना कि क्या क्या काम है जो मुझे करना है और कौन कौन सा काम मुझे किससे करवाना है, वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो जाता है कि किसकी काबिलियत ऐसी है कि हम उसको वैसा काम दे सकें. सो दैट इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ वर्क. चलिए I hope that your doubts are clear. So now we are going to move ahead. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. अगर फिर भी आपको कोई doubt होता है तो kindly give me in the comments so that I can work on your doubts. Now today what we will move ahead and we will discuss nature of management. अब तक हमने management क्या था वो पहचान लिया कि किसी से काम करवाना है effectively and efficiently. फिर हमने discuss किया कि why management is important. अगर घर में management नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते. इवन हम लोगों ने एक जो एक class 1 थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट anything माइनस मैनेजमेंट, अगर उसमें मैनेजमेंट ना हो इट वुड रिजल्ट इन जीरो. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमारे पेपर में एज केस स्टडी आती है. ठीक है, सो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो. याद रखिए दैट इट इज आइडेंटिफाइंग. मुझे इसमें आंसर क्या लिखना है? हियर आई नीड टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? एंड व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट होता कैसा, फीचर्स हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि वो एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम महसूस कर सकते हैं वहाँ पर रह करके. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट का नेचर, कि मैनेजमेंट है कैसा.
कैसा दिखता है, दिखता कैसा तो है नहीं। हमने नेचर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो तीनों में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट है कैसा। तो पहले हम लेते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। आप मुझे बताओ कि साइंस का मतलब क्या होता है? कैन यू एनी कैन एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज साइंस? साइंस आप पढ़ते हो, आप चाइल्डहुड से साइंस पढ़ते हुए आए हो, साइंस में आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करे हैं, फिनोमेना डिस्कस करे हैं, केमिकल इक्वेशंस बनाई हैं आप लोगों ने। तो होता क्या है साइंस? साइंस एक ऐसी चीज है जिसे हमें, जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, सिंपली कि कोई चीज बनी कैसे, हाउ डज अ प्लांट वर्क, वो अपना खाना कैसे बनाता है प्लांट, हम वो सब कुछ उसमें डिस्कस करते हैं। या हमारा बॉडी का डाइजेशन सिस्टम हो, या कोई भी बायोलॉजिकल हमें कुछ भी डिस्कस करना है तो हम साइंस के थ्रू ही करते हैं। तो मैनेजमेंट को हम डिफाइन करेंगे एज अ साइंस थ्री पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिख रही हूं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, लिखना नहीं है ऐसा, सब समझने के लिए मैंने ये सब कुछ बनाया है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आप साइंस यानी कि आप साइंस को लर्न कर सकते हैं थ्रू बुक्स। आपके पास सारी बुक्स हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल ट्वेल्थ, नॉट इवन ट्वेल्थ, कॉलेज में भी आप जाते हो, आप ग्रेजुएशन कल को करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, डॉक्टर बनोगे या कोई इंजीनियर बन रहा है, तो कोई भी चीज है उसको आप पढ़कर समझ सकते हो। साइंस इज समथिंग विच कैन बी लर्न, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हो। तो यस, मैनेजमेंट के पास हमारे पास बुक्स होते हैं विच वी कैन लर्न, बट ए वेन वी टॉक अबाउट एज अ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट आप पढ़कर सीख सकते हो? हाँ जी, आज की तारीख में एमबीए वगैरह वाले हमारे कोर्सेज होते हैं, तो वो कोर्सेज हम लोग सीख सकते हैं। सो मैनेजमेंट जो है हमारा, वी कैन लर्न इट, एमबीए वगैरह हमारे कोर्स आते हैं ना, बीबीए कोर्स हमारे गवर्नमेंट में आप लोग करोगे, तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हमारे होंगे। सो यस, मैनेजमेंट कैन बी लर्न, मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे कोई भी बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट स्टडीज करनी जरूरी है, लेकिन यस, इफ आई एम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, मैं सर्विस क्लास फैमिली से हूँ और मुझे लर्न करना हाउ टू डू अ बिजनेस, तो नहीं, सर्विस क्लास का जो पर्सन, जो बच्चा है वो कल को सर्विस ही करे, ही मे बी हैविंग एन इंप्रेशन इन माइंड कि मुझे कल को बिजनेस करना, तो ही कैन लर्न द मैनेजमेंट थ्रू द बुक्स, या तो वो पढ़ सकता है। सेकेंड, हमारा जो साइंस है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारा लॉजिक्स पर डिपेंड करता है, ये नहीं होता कि आपने कुछ भी बोल दिया। सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ, कोई भी साइंस में कोई भी लॉ आता है, लॉ आने से पहले वो हजार बार टेस्ट होता है, कीपिंग ऑल द कंडीशन सेम। कि आपने टेंथ में पढ़ा भी होगा कि अगर बाकी कंडीशन सेम रखें तो हमारा साइंस में नंबर ऑफ टाइम वी कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, और हर बार उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस डस्टर की, अगर मैं इस डस्टर को ऊपर फेंकती हूँ तो डेफिनेटली ये नीचे आ रहा है ना, क्यों आ रहा है नीचे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी आएगी, और आप इसको हजार बार आप अप्लाई कर लो, इट विल गिव द सेम रिजल्ट, चाहे वो मैं यहाँ करूँ, आपके घर पर करें, इंडिया में कहीं भी करें या इंडिया के बाहर कहीं भी करें, वेयर एवर इफ यू आर गोइंग टू थ्रो एनीथिंग आप डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फेल डाउन। सो दिस इज योर साइंस। सो यस, हमारे जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक्स, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज हमारे यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, तो दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं मैनेजमेंट, कल को हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स, और वो प्रिंसिपल्स भी हमारे हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल लेते हैं हमारे मैनेजमेंट का जो आगे लेसन टू में हम पढ़ने वाले हैं, कि यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है मैनेजमेंट का, कि अगर एक वर्कर को एक साथ दो तीन मैनेजर से कमांड मिल जाए तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको किससे काम करवाना है, किसका काम वो करे, किस तरह काम करे, इसके चक्कर में वो कंफ्यूज होगा, इसलिए वो काम नहीं करेगा। रादर पहली बार ट्राई करेगा, उसको जब बहुत ज्यादा लगेगा वर्कलोड हो रहा है तो काम करना छोड़ देगा, दूसरी बार फिर ये सेम सिचुएशन हुई
तो हो सकता है कि वो एक एक्सक्यूज बना दे कि वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई मुझे काम नहीं करना, आपने भी इंस्ट्रक्शन दे दी, प्रोडक्शन मैनेजर ने भी दे दी, तो मैं कैसे काम करूँ। सो तो जो हमारा मैनेजमेंट है तो प्रिंसिपल यही कहता है कि हाँ जी वो चीज़ सही है। तो कुछ हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, सो इट इज ऑल्सो अप्लाई हियर। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि जो मेरे साइंस के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्स में सब जगह एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल है। तो चाहे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या मैं कहूँ कि वाटर को जब फ्रीज करते हैं 0 degree पे तो वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मैं उसको बॉयल करती हूँ तो वो एवापोरेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये तो नहीं है कि यहाँ पर होगा और इंग्लैंड में नहीं होगा या कहीं और नहीं होगा, तो वो हर जगह पर होता। तो ये साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, कि क्या मेरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एज इट इज हर जगह अप्लाई होते हैं। इट इज पार्शली ट्रू। क्यों हुआ, सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ, कि अगर हमने एग्जांपल लिया था कि मैनेजमेंट में अगर मैंने एक वर्कर को बहुत सारे, मतलब 3-4 मैनेजर्स ने एक साथ काम दे दिया, तो नॉर्मल कंडीशन में यही होता है कि जो वर्कर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो ये कहेगा कि मैं किसका काम करूँ किसका काम ना करूँ। बट समटाइम इट हैपेंस कि कोई एक वर्कर ऐसा हो जो इतना स्मार्ट है कि सबका काम करके दे। आप वो एग्जाम्पल ले लो कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम आपको 5 सब्जेक्ट का वर्कलोड होता है, सभी टीचर कहते हैं मेरा सब्जेक्ट करो मेरा सब्जेक्ट करो, कोई भी टीचर आपको छोड़ता है नहीं, हर एक के लिए अपना अपना वर्क इंपॉर्टेंट होता है। बट एज अ स्टूडेंट यू ऑलवेज गेट अ कंफ्यूज कि मैं कौन से टीचर की बात मानूँ, कौन से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँ और कौन से टेस्ट के लिए प्रिपेयर ना करूँ, हार के सब कुछ छोड़ देते हैं। बट क्लास में एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो 5 सब्जेक्ट की तैयारी वो अच्छे से करके रखता है, तो थोड़ा सा पहले से कुछ कर रखा होता है, फाइनली सब कुछ ब्रश अप कर देता है। तो यानी कि वो कंडीशन कुछ पे एप्लीकेबल है, एवरेज स्टूडेंट पे एप्लीकेबल है, बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा बच्चा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बच्चा होगा कि उस पे वो प्रिंसिपल क्लाइंट नहीं करेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा और वो सबका काम करके देगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर उसको समझते हैं कि ये पार्शियल ट्रू क्यों है। मान लेते मैंने आपको एक जोक सुनाया, ठीक है, बड़ी हंसी आई, बहुत हंसी आई, बहुत हंसे, उसके बाद वो जोक मैंने तुम्हें दोबारा सुनाया, उतनी ही हंसी आएगी, नहीं आएगी, कम आएगी, पर कम आएगी। तीसरी बार फिर से वो जोक सुनाया, आप कहोगे मैडम हंस रही है, अब नहीं हंसी आ रही, प्लीज छोड़ दो। नहीं, मैं तो चौथी बार भी सुनाऊंगी और 5वीं बार भी सुनाऊंगी, क्या होगा, उठा के फोन बंद कर दोगे या बात करना, क्योंकि हमें उस पर बात ही नहीं करती, कोई हंसी नहीं आ रही उसको। यानी कि यहाँ पर ये बात होती है ना कि जहाँ साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जितनी मर्जी बार एक्सपेरिमेंट करो वो सेम रिजल्ट देते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह सेम रिजल्ट दें वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सेम थिंग वो हमेशा सक्सेसफुल इट इज नॉट नेसेसरी, तो दे आर पार्शली ट्रू। इस पॉइंट की वजह से हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, रादर मैनेजमेंट इज एन क्या बोलते हैं हम इन एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। तो दो स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, पहले बात समझ में आ गया शैला इरेजर्स, उसको मैं रब कर रही हूँ, तो हमने पढ़ लिया कि साइंस आप साइंस की नॉलेज आप बुक से ले सकते हैं, तो मैनेजमेंट की नॉलेज भी आप बुक से ले सकते हैं। सेकेंडली, साइंस में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, लॉ है, सभी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। नंबर ऑफ टाइम यू मे रिपीट योर एक्सपेरिमेंट बट दे विल गिव द सेम रिजल्ट। सिमिलरली जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे ऑब्जर्वेशंस पे, जो हमने 10-12-15-20 साल में काम किया है उस पर डिपेंड करते हैं। तो यस, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, दे आर ऑफ द यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल हर जगह वैलिड होते हैं, सेम रिजल्ट आपको देते हैं, कीपिंग द कंडीशंस वुड रिमेन सेम। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आमतौर पर 99% तक सेम एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन 1% चांसेस हैं कि सेम रिएक्शन ना आए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग, ठीक है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो हम टाइम लेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस हम लिखेंगे, पहले इसको समझाएंगे वर्ड्स में, देर आफ्टर कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे। हमारा कंक्लूजन क्या आया, दैट मैनेजमेंट इज नॉट और इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। दो तीन टर्म्स यूज की जाती है, मैनेजमेंट
is not a pure science or management is improper science. तो सभी का मतलब बिल्कुल सेम है. यहाँ पे सिचुएशन दी जाएगी, क्वेश्चन आया कि कई बार नहीं आता है तो उसकी लैंग्वेज आपको इंटरप्रेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्या एग्जैक्टली मेरा वैसे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैनेजमेंट, तो अब तो ही कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हमें साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अच्छा, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट नॉट ऑलवेज मीनिंग ड्रॉइंग. कोई भी टैलेंट, कोई भी टैलेंट. तो टैलेंट की अगर बात करूँ तो कोई बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो कोई बहुत ही अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत ही अच्छा ड्रॉइंग करता है, तो कोई बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है. कोई भी आपका जो प्रोफेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो दैट इज एन आर्ट. आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, कौन सी कला आपके अंदर है. कोई बोलने में बहुत अच्छा माहिर है, तो हर चीज़ की अपनी अपनी चीज़ होती है. कोई डांस बहुत अच्छा कर सकता है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट. जब हम बात करते हैं आर्ट की, तो अगेन इसको भी समझने के लिए वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट पॉइंट कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं. अगेन पहला हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज personalized application and thirdly it is practice and creativity. Yeah, जब हम बात करते हैं आर्ट की, अगर हम बात करें ड्राइंग में, अगर मुझे अपना कोई भी प्रोफेशन बनाना है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, तो क्या मैं वो बुक से पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल हम बुक से पढ़ते हैं. आर्ट के बारे में कितने लोग जो है डॉक्टरेट है, पढ़ाई करते हैं, चाहे वो म्यूजिक में लें, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल में लें, चाहे वो ड्राइंग में लें. आपके ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर वही तो हैं जिन्होंने अपने उस फील्ड में अपना क्वालिफिकेशन उन्होंने लिया हुआ है. तो यस, वी कैन लर्न आर्ट थ्रू बुक्स. हम उसको पढ़कर सीख सकते हैं. तो यस, मैनेजमेंट आर्ट जो है मेरा, बुक से मैं पढ़कर सीख सकती हूँ. अब करते हैं मैनेजमेंट को कंपेयर. क्या मैं मैनेजमेंट बुक से पढ़कर सीख सकती हूँ? हाँ जी, आप भी तो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट ही तो है जहाँ पे हम सब कुछ लर्न कर रहे हैं. धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे. लेवल में सीखा था कि बिजनेस कैसे, किस किस फॉर्म में हम बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं रहने के लिए, इंटरनल रेट क्या होता है, एक्सटर्नल रेट क्या होता है. अब हम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट करना कैसे है, बिजनेस करना कैसे है. तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग थ्रू आवर बुक्स. तो यस, मैनेजमेंट कैन बी लर्न थ्रू बुक्स. सो इट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. अब लेते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन. इसका मतलब क्या होता है? अब एक बात बताइए, ड्राइंग टीचर ने जब आप छोटे थे तो ड्राइंग टीचर ने सबको ड्राइंग करना सिखाया था. सबने कलर कॉम्बिनेशन सीखे थे कि रेड है और येलो को अगर आप मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर मिलेगा. तो क्या जितने भी बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, आर दे ऑल ड्राइंग एक्सपर्ट, सब बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं? नहीं ना, हर कोई तो बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करता. कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ एवरेज करते हैं, कुछ कईयों की ड्राइंग तो बहुत ही पैथेटिक होती है. तो इसका मतलब क्या, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जिसका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, जिसका इंटरेस्ट सबसे लीस्ट होगा वो कम करेगा. आमतौर पर हम कहते हैं ना कि बॉयज़ की ड्राइंग बड़ी ख़राब होती है, इसका मतलब ये नहीं सारे बॉयज़ की, पर कुछ बॉयज़ की बहुत अच्छी भी होती है, इन गर्ल्स की बहुत ख़राब भी होती है. तो अब हम बात करते हैं पर्सनलाइज़ की. इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जो काम, जिस अब आप बॉयज़ की बात करो, बॉयज़ डांस बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा मतलब नहीं गर्ल्स डांस अच्छा नहीं करती है. तो जो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे के सारे बॉयज़ जो हैं वो डांसर्स होते हैं, तो नहीं हम कह सकते ये सारी की सारी गर्ल्स डांसर्स होती हैं. जिसका जिस एरिया में इंटरेस्ट है वो उस एरिया में सीखता है, करता है, परफॉर्म करता है. तो सिखाया तो सबको जाता है, लेकिन जो बच्चा अच्छे से करेगा, क्योंकि और अच्छा कौन करता है, जो बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है. तो दिस आर्ट इज दिस थिंग वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो यस, इट हैज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. तो जितना जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ही बढ़िया काम आप करते जाएंगे. वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब आते हैं मैनेजमेंट की बात.
क्या मैनेजमेंट भी सब लोग एक जैसे मैनेज करते हैं? नहीं। आप एग्जाम्पल अपने फैमिली में ही लेकर चलिए कि आपकी मम्मा आपको मालूम है घर में कैसे मैनेज करती है। फिर आफ्टर यू वेंट टू योर मासीज हाउस, क्या मासी भी बिल्कुल वैसे ही घर मैनेज करती है एग्जैक्टली वैसे जैसे मम्मी करती है? कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता है ना। फिर आप अपने बुआ के घर भी जाते हो, ठीक है, या अपने चाचा जी के घर गए, किसी के भी घर आप जाते हो, तो सभी घरों में क्या मैनेजमेंट एकदम सेम होता है? घर तो सभी डील कर रहे हैं ना, लेकिन हर जगह पर काम करने का तरीका, घर संभालने का तरीका अलग होता है। सिमिलरली अब स्कूल सारे अलग अलग, के भी सारे अलग अलग है, पढ़ाई एक जैसी है पर के भी सारे अलग अलग है। तो अगर मैं सेम सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो क्या सभी इंग्लिश के टीचर्स एक जैसा पढ़ाते, एक जैसा सिखाते, एक जैसा टैलेंट है उनका? क्लास मैनेजमेंट तो बिल्कुल वैसा ही एक जैसा नहीं, वेरी करता है ना, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी की क्लास में बैठने में मजा आ जाता है कि बस फिर करता है चल ही जाए क्लास, और कभी कभी क्या होता है इतने बोरे तो देखिए छोड़ो यार नहीं बैठना वहाँ पे। तो यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो किसी स्कूल का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होता है, किसी स्कूल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। तो मैनेजमेंट इज अगेन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ लोगों को सीखने में टाइम लगता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न हाउ टू मैनेज। सो यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो पर्सनलाइज इन नेचर, वो भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नाउ थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट मेरी उतनी ज्यादा निकलेगी जितना अच्छा मेरी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी मैं प्रैक्टिस करूँगी, जितना मैं रिगरस प्रैक्टिस करूँगी, उतना ही अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस चाहिए चाहिए। सिंगर की बात करते हैं, कोई भी बहुत अच्छा सिंगर है, मान बहुत बढ़िया गाना गाता है, लेकिन अगर उसने एक साल रिहर्सल नहीं करी तो क्या वो एक साल के बाद उतना ही अच्छा गाना गाएगा जितना वो पहले गाता था? प्रोबेबली नो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस रियाज करना बहुत जरूरी है। जैसे ड्राइंग बहुत अच्छा करता है तो उसको ड्राइंग की प्रैक्टिस जरूरी है, जो डांस अच्छा करता है उसको भी उस चीज़ में फील्ड में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आर्ट में निखार तभी आता है जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और नॉट ओनली प्रैक्टिस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, वैसे वैसे आप और क्रिएटिव हो जाते हैं, आपके माइंड में नए थॉट्स आने शुरू होते हैं, इसको ऐसे क्यों ना किया जाए, इसको वैसे क्यों ना किया जाए, इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे तो क्या होगा? तो आपके माइंड में बहुत सारे तरीके न्यू क्रिएटिविटी जन्म लेती है कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो हमारी जो आर्ट है इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप कर रहे हैं, कितने अच्छे न्यू न्यू स्टेप्स आप डांस को लेकर के आ रहे हैं, क्या हम म्यूजिक बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो नई एक लिरिक्स आपने तैयार करी अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करके, सो दैट इज योर क्रिएटिविटी। सो आर्ट नीड्स प्रैक्टिस एज वेल एज क्रिएटिविटी। लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है? डेफिनेटली। आप ही क्लासरूम से एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, समटाइम इट हैपेंस दैट आप फ्रेश टीचर came to your class, ठीक है। अब फ्रेश टीचर अगर आया है तो क्योंकि वो नया नया पढ़ाई करने के बाद उसने स्कूल ज्वाइन किया, तो वो एकदम से इतने सारे बच्चों को मैनेज नहीं कर सकता, उसको मैनेज करने में टाइम लगेगा। फ्रेंडली होगा आप लोगों के साथ, लेकिन वो मैनेज क्लासरूम कंट्रोल उससे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर उसकी जगह पर आता तो क्या होता है, क्लास में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं और डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। यानी कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है आपका मैनेजमेंट में निखार आता है, मे बी न्यू क्रिएटिव वे आपको दिखाते हैं, तो कोई आपको कोई पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा है, तो कोई स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहा है, कोई स्किट के थ्रू पढ़ा रहा है, तो वो उनकी खुद की क्रिएटिविटी है कि वो कैसे उस चीज़ को करवा रहे हैं। कोई ड्रामा वगैरह आपसे करवाया उसी समय ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो हर एक का काम करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। खासकर मैं बात करूँ SSC की, SSC सबको बहुत बोरिंग लगती है, पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, लेकिन अगर वहीं वो टीचर किसी प्ले वे मैथड से उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझाए तो आपको करने में मज़ा आता है, यू लर्न थ्रू इट। और वो हमें वो तरीके हमें का पता चलता है, टीचर को कब आते हैं, थ्रू एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ ही वो काम करता है। तो अ पर्सन कैन बी अ गुड मैनेजर ओनली इफ ही डू प्रैक्टिस एंड हर पर्सन की अपनी खुद की एक क्रिएटिविटी होती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। क्लास का सिचुएशन अ पर्सन हैज टू हैंडल द थिंग्स। तो यस, मैनेजमेंट आल्सो वर्क बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जो जो फीचर्स आर्ट में थे, ऑल दोज फीचर्स आर पजेस्ड बाय योर मैनेजमेंट। तो यस, वी कैन से कंक्लूड करेंगे इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के बाद, बुक्स में
that management is an art. यह है वाली बात. तो management हमारा पूरा pure art है कि वो हमारा as per practice चलता है. clear? अब हम लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. management as a profession. इसके लिए मुझे थोड़ी सी space और चाहिए. Management as a profession. So, the ball line could be done up there. Profession and management. अब लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. आपने वैसे क्लास 11 में यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट डू वी मीन बाय प्रोफेशन. क्या होता है मतलब प्रोफेशन का? यस, एक वो नॉलेज वो प्रैक्टिस जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हम लोग लर्न करते हैं, जहां से मुझे प्रॉपरली सर्टिफिकेट मिलता है और मैं वहां पे उस प्रोफेशन में हम लोग काम करते हैं. एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लाइक अ डॉक्टर. एक डॉक्टर जिसने अपनी मेडिकल डिग्री ली फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और एक दूसरा गांव में अपना हकीम. तो हकीम, कैन यू कॉल हकीम एज अ प्रोफेशनल और यू विल कॉल अ डॉक्टर अ प्रोफेशनल? यस, यू विल कॉल डॉक्टर अ प्रोफेशनल बट नॉट हकीम एज अ प्रोफेशनल. क्यों? बिकॉज दैट हकीम इन दैट विलेज डज नॉट पजेस एनी डिग्री. तो दैट पर्सन इज हकीम जो है वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसको आप प्रोफेशनल नहीं कहोगे. प्रोफेशनल वो होगा जिसके पास एक अपनी डिग्री होती है. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमें ये डिस्कस करना है कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सभी का सेम है, दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वहां पर है कि नहीं. फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. यस, वी कैन से कि हाँ जी, जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, तो यस, प्रोफेशन कैन बी लर्न थ्रू बुक्स. कोई भी प्रोफेशन, अगर आपको लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, कोई भी आपको अगर कल को प्रोफेशन चूज करोगे तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा और बुक्स आर अवेलेबल. सो यस, प्रोफेशन में बुक्स की अवेलेबिलिटी है. मैनेजमेंट में भी यस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बार कि मैनेजमेंट भी हम बुक्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट, restricted entry. What does that mean? मैं आज सीए बनना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं सीए बन गई? नहीं. क्यों नहीं? बनना चाहती हूँ का मतलब ये नहीं कि आप सीए बन जाएंगे. unless and until आप पहले बात, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है. All those who qualify in that competitive exam will be enrolled in that university. तो आप कोई भी प्रोफेशन सिर्फ चाहने से आप नहीं कर सकते कि मेरे को प्रोफेशन होगा तो मैं डॉक्टर तभी बन सकती हूँ जब मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूँगी. सी ए तब बनूंगी जब मैं उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूँगी. लॉयर तब बनूंगी जब मैं उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूँगी. अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आप वहाँ पर वो डिग्री आपको नहीं मिल सकती. क्लियर? So, yes, profession has a restricted entry. हर कोई उस profession में नहीं घुस सकता. तो लेकिन एक management की बात करें, जरूरी है कि मैं मुझे manager बनने के लिए या अपना business करने के लिए एक इस institute में जाना ही पड़ेगा, मुझे कोई entrance exam देना ही पड़ेगा? It is not necessary. Let's talk about these vegetable vendors जो हमारी गली में घूमते रहते हैं, vegetable vendors. या कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन जो शॉपकीपर है हमारा, तो दैट पर्सन इज नॉट एंटरिंग इनटू एनी इंस्टीट्यूट. इफ दे हैव द दिस शार्प माइंड, दे कैन हैंडल देयर बिजनेस वेरी वेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मार्टनेस इट माइट बी पॉसिबल अ पर्सन हु इज वर्किंग एट अ लो लेवल मे कम एट द लेवल ऑफ मैनेजर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज हिज इंटेलिजेंस. तो मैनेजमेंट के लिए मेरे को इंटेलिजेंस चाहिए. हर बार जरूरी नहीं है कि डिग्री हमारे पास हो. हाँ, अगर डिग्री होती है इट सपोर्ट्स यू, लेकिन ये कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं. सो दिस डज नॉट होल्ड गुड. तो डिस्ट्रिक्ट एंट्री मैनेजमेंट में नहीं होती. कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है, मैनेजर बन सकता है. देयर आफ्टर प्रोफेशनल एसोसिएशन.
इसका मतलब समझ लेते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर की डिग्री, ये तो है नहीं कि कहीं भी किसी की शॉप पे जाओगे और आपको मिल जाएगी डॉक्टर की डिग्री। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम से अपना कंडक्ट किया, नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और वो एग्जाम जो क्वालिफाई करता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करता है। तो यानी ये वो एसोसिएशन हैं जो वो एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जो एंटर एग्जाम कंडक्ट करेंगी, जो अपना क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए या आप सीए बन गए, आपको वो कोर्स पूरा करना पड़ेगा। मैंने सीए में एनरोल किया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा, लेकिन करने के बाद मैं अंदर आ गई, मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पा रही थी, मैं बार बार फेल हो जाती हूँ तो मैंने हार के छोड़ दिया। तो क्या मैं सीए बन गई क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट थी, एसोसिएशन में पार्ट थी? नहीं, अनलेस एंड मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा मैं सीए नहीं कहलाऊंगी। तो प्रोफेशन के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, इट इज कंपल्सरी, और वो कौन देता है? वो एसोसिएशन। तो आपको लॉयर बनना तो लॉ की डिग्री आपको मिलेगी, डॉक्टर बनना तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, सीए बनना तो सीए की डिग्री मिलेगी। तो वो डिग्री का, वो सर्टिफिकेट का होना आपके लिए कंपल्सरी है। विदाउट दैट डिग्री यू वॉन्ट बी टर्म्ड एज प्रोफेशनल। मैनेजमेंट में अगेन, मेरे को मैनेजर कुछ भी बिजनेस करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी बिजनेस कर सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे मैंडेटरी है बात करिए, मैंडेटरी है कि नहीं, डिग्री होगी आपको आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो बहुत कंपल्सरी वो नहीं कर सकते। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इट सिंपली सेज दैट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना। जैसे हम बात करें सीए के, अगर आप सीए बनते हैं तो सीए बनने के बाद आप जब आप अपने सिंपल से बात करते हैं, हम इलेवंथ में या ट्वेल्थ में हमने अकाउंट्स लर्न किया, तो अकाउंट्स में आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनाना उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, यू नो विच विच आइटम्स आर टू बी शोन एट द डेबिट साइड एंड विच आइटम शुड बी शोन एट द क्रेडिट साइड, तो ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कौन सी चीज़ें हमारी कैपिटल इन नेचर होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारी रेवेन्यू इन नेचर होती हैं, विच आइटम्स आर गोइंग टू अपीयर इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड एंड विच आइटम्स आर टू शोन इन द बैलेंस शीट। तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन कि उनको हमने कैसे काम करना है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वेदर ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, वी हैव टू फॉलो दोज थिंग्स, तो वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो मैं लॉयर की बात करूँ तो लॉयर भी अपना केस अपने लॉ अपने प्रोविजंस के अंदर रहकर के ही केस जीतता है, तो अगर वो प्रोविजंस नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर सकता, उसको उन्हीं लॉ सेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। इनकम टैक्स भी पे करना है तो इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे आप सेविंग्स कर सकते हैं वही सेविंग मानी जाएंगी आपकी, आपकी अपनी मर्जी सेविंग्स नहीं होती है। तो यानी कि काम करने के लिए हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो कोई भी प्रोफेशनल हो, लॉयर, डॉक्टर, सीए और एनीथिंग, उसको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी है। लेकिन बिजनेस के लिए कोई भी, आप कोई भी बिजनेस करो, जैसे मर्जी बिजनेस करो, मेरे को दिल कर रहा है कि मैं छुट्टी करूँ तो मैं छुट्टी करूँगी, अगर मैं सोफ बैटरशिप में हूँ तो मेरे लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट को स्पेसिफाइड नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के आपको फॉलो करने ही करने हैं, तो वो मैनेजमेंट में नहीं होता है। ठीक है, सो नाउ कम एट द फिफ्थ पॉइंट, सर्विस मॉडल। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, तो प्रोफेशनल्स जो है वो दूसरे को सर्विस देते हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर नॉट हैंड ओवर एनी टेंजिबल गुड टू अनदर पर्सन, वो कोई सामान नहीं बना रहे, रादर व्हाट आर दे डूइंग, दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, दूसरों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो व्हेन दे आर रेंडरिंग सर्विसेज, देयर मेन मोटिव इज टू डू दिस। हाँ, वो अलग बात है कि पहले हम डॉक्टर को कहते थे कि डॉक्टर अपनी मर्जी से बनता था कि मुझे दो लोगों की भलाई करनी है, आज उसने अपना वो बिजनेस बना लिया है, बट हर जगह पे वो चीज़ ट्रू अभी भी नहीं है, कुछ जगह पर ट्रू भी है, बट अगर आइडली बात करें तो ये प्रोफेशनल्स क्यों हैं? टू गिव सर्विस, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, क्यों कैसे काम करना है? तो इट हैपेंस इन मैनेजमेंट, लेकिन अगर प्रोफेशन वगैरह मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर किसी की सेवा करने नहीं आ रहे और वो सेवा करेगा तो बिजनेस नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट के केस में आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वो आप प्रॉफिट के लिए करते हो, तो यहाँ पे हमारा सर्विस मोटिव नहीं होता। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज
not a profession. I hope that these points are clear. Or in this, कोई ना कोई जरूर आता है. Management as an art or management as a science, they are one of the. These two items are quite important जो exams में पूछी जाती हैं. This chapter में से हमारे लिए सबसे important क्या आती है? सबसे पहले हमारे लिए आता है objectives of management. दूसरा हमारे लिए important आता है management as a science और management as an art. हम लोग discuss कर चुके हैं कि as a science वो हमारा impure science है. Exact science नहीं है हमारा management. हमारा मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन. अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. अगर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली गिव इट इन द कमेंट, ताकि मैं आपके वो जो डाउट्स हैं दैट आई विल बी एबल टू क्लियर इन द नेक्स्ट सेशन. Now let's talk about levels of management. इसको हम properly कल discuss करेंगे, लेकिन अभी briefing देना मेरे लिए जरूरी है. When we talk about levels of management, तो we show it like a pyramid. Okay? It is your platform area. This and this. हमने मैनेजमेंट को मेजरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया. टॉप लेवल. टॉप लेवल का मतलब क्या होता है? वो जो बिजनेस चला रहे हैं, मेन जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जिसे हमारा बात करें सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, जो हमारा सारा बिजनेस कर रहे हैं, जनरल मैनेजर है. तो ये जो हमारे टॉप लेवल है, जो हमारे सारा काम करते हैं, दे आर कम अंडर कैटेगरी ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सेकेंड इज योर मिडल लेवल. मिडल लेवल कंप्राइजेस ऑफ द मैनेजर्स. कौन कौन से? जैसे हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं. अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उनको मैनेजर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, देन फिनेंस हेड और ह्यूमन रिसोर्स हेड, मार्केटिंग हेड, दे ऑल विल बी टर्म्ड एज मिडल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, तो वो मैनेजर जो है वो मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं. देयर आफ्टर इट इज सुपरविजरी और ऑपरेशनल लेवल. ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो आपके वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली, जो गाइड कर रहे हैं कि वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं. जो सुपरवाइजर्स हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ये मेरा बेस एरिया है. ठीक है, तो ये मेरा बेस एरिया हो गया. यहाँ पे मेरे बेसिकली दीज आर माय वर्कर्स. और वर्कर्स के ऊपर जो हमारा इमीडिएट है, जो पूरा चेक कर रहा है काम को कि काम कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट एज पर क्वालिटी बन रहा है कि नहीं, वो हमारे सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल को कहा जाता है. तो यहाँ का एग्जाम्पल हमारा हो गया सुपरवाइजर. ठीक है, ना व्हाट इज शोन एज अ पिरामिड. पिरामिड में शो किया क्यों किया गया है कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे जो लोग हैं वो कम होते जाते हैं. वर्कर्स एक फैक्ट्री में बहुत सारे होते हैं, यानी कि बहुत कम वर्कर्स होंगे. वर्कर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो इट हैज़ शोन एज अ ब्रॉडर एरिया. वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर उतने नहीं होंगे, कंपेरेटिवली कम होंगे. सो योर सुपरवाइजर विल बी कंपेरेटिवली लेस. सुपरवाइजर के ऊपर हमारे मैनेजर्स होंगे, वो अगेन उससे कम होंगे. और हमारे सीईओ, बहुत सारे सीईओ वगैरह एमडी नहीं होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे नहीं होते हैं, दे आर वेरी फ्यू. तो जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो है नंबर ऑफ पीपल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज शोन एज अ पिरामिड. अब हमें नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये लोग काम क्या करते हैं. इट्स वन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. कि आप क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि मुझे टॉप लेवल का काम बताओ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है. नहीं, इट विल क्वेश्चन आएगा दैट यू आर वर्किंग इन एक्स वाई जेड लिमिटेड एज अ जनरल मैनेजर. नाउ व्हाट वर्क, व्हाट फंक्शंस यू हैव टू परफॉर्म एज अ जनरल मैनेजर. तो पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जनरल मैनेजर है वो कौन से लेवल पे आ रहा है. यू नो दैट जनरल मैनेजर जो है मेरा यहाँ पर आ रहा है, वो टॉप लेवल का कोई पर्सन नहीं है, ना ही वो सुपरवाइजर है, वो जनरल मैनेजर यहाँ पर आ रहा है. तो मुझे आपको मिडल लेवल के फंक्शंस बताने पड़ेंगे कि वो उसे क्या काम करता है.
सिमिलरली अगर सीधा ये बोला गया कि आप ऐसी पोस्ट पर है जहाँ पे आपको वर्कर्स के साथ डेली बेसिस पे डील करना पड़ रहा है और आप वर्कर्स की मदद कर रहे हैं, ट्रेनिंग आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उनको, तो आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं और आप उनकी मदद कैसे कैसे कर सकते हैं, विच फंक्शन डू यू हैव टू परफॉर्म। इट मीन्स जब वर्कर से मेरा इमीडिएट कॉन्टैक्ट हो रहा है, इट मीन्स आई एम वर्किंग एज अ सुपरवाइजर, इन दैट केस आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट विच फंक्शन डू आई नीड टू परफॉर्म एज अ एट दिस लेवल। ठीक है, सो आई होप दैट ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल इन टुमारोज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।